हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करूँगा। मेरा नाम दुष्यंत और मैं आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग जो बनाता रहता हूँ, तो आज स्पेशली आप लोग को दिखाने वाला हूँ दीप प्रज्वलन। बोले तो बहुत ज़्यादा दिया जलाया गया है हमारे कुनकुरी के डैम में, तो उसी चीज़ को दिखाने वाला हूँ और किस उपलक्ष्य में जलाया जा रहा है ये सारी चीज़ को बताऊँगा। क्योंकि वो सारी चीज़ को बता दूँगा तो वहाँ पर जाकर बताने का जो सिचुएसन होगा ना वो नहीं हो पाएगा, तो स्पेशली मैं वहीं पर जाता हूँ और आप लोग को मिलाता हूँ और परिचय भी कराता हूँ। और फिलहाल मेरे साथ दो चार दोस्त लोग भी मिल चुके थे और उन लोग से भी मिला आप लोग को, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। तो फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अपने दोस्त और होस्ट लोग से मिल चुका हूँ, क्योंकि YouTube में जितना सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से मुझे काफ़ी मज़ा आता है और इन लोगों से मिलाता हूँ आप लोगों को और परिचय भी कराता हूँ, क्योंकि मैं अपने से परिचय नहीं करा सकता। इन लोग हैं, क्या बोलते हैं, कौन से स्कूल का स्टूडेंट हो, आत्मानंद की स्टूडेंट है दोस्तों और मेरे बहुत बड़े फैन हैं भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा सा परिचय दे दोगे? दे दो थोड़ा सा, क्या नाम बता, भूल जा रहा था। और उसका नाम उत्कर्ष। उत्कर्ष तो कहाँ जा, ट्यूशन में जा रहा ना? आ रहे हैं, ट्यूशन से होगा छुट्टी। तो फिलहाल दोस्तों मैं बढ़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर दिखाने वाला हूँ जो सीन है उस सीन को। वहाँ पर का सीन कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोग तो हैं, और जो भी दीप जलेगा ना मुझे लगता है 10,000 से 20,000 समथिंग कुछ हो सकता है। तो उस सब चीज़ को दिखाऊंगा आपने ड्रोन की मदद से। फिलहाल बढ़ने रही वीडियो में और देखते रहिए तगड़ा बनना भाई। फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कुनकुरी का डैम और यहां पर ये जो दीप जलाया जा रहा है वो किस विषय में जलाया जा रहा है और क्यों जलाया जा रहा है, इस सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। मेरे साथ मिलेंगे और मेरे भैया, तो भैया थोड़ा परिचय दे दिए और ये दीप जो जलेगा कितना जलेगा और क्या है सारी चीज़ बता दीजिए। ये दीप नहीं, परिचय दे दीजिए शुरू में। मेरा नाम नीरज गुप्ता है और देव दिवाली के उपलक्ष्य में मैं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और ऐसा है कि देव दिवाली जो होता है वो दिवाली के कुछ दिनों के बाद में होता है। इस दिन देवताओं की दिवाली होती है। अच्छा अच्छा, देवताओं की दिवाली होती है। इस उपलक्ष्य में हम अपने नदी घाट जो क्षेत्र होते हैं उनको सजाते हैं, वहाँ दिए जलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वो उधर से लेकर आखिरी तक जो भी घाट है वो सब रात में दिखेगा मेरे ड्रोन से। लगभग 15,000 दिए, 15,000 लगभग 15,000 दिए हमने टारगेट रखा है जलाने का। हाँ। अब उतना हो पाता है नहीं हो पाता है वो तो रात में आप ड्रोन से कवर करोगे। हाँ, हाँ, लेकिन हमारी कोशिश है लगभग 15,000 दिए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, उधर देख, उधर देख, उधर लगे हुए हैं दोस्तों, सभी तरफ लगे हुए हैं और लगभग तैयारी काम हो चुका है, बस दीप जलाने की बारी है। थैंक यू, हम दीप जला रहे हैं और मुझे लगता है सफलता और से मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उससे सफलता जरूर मिलता है। फिलहाल मेरे वीडियो में आप लोग बन रहे दोस्तों और मैं आप लोग को शंकर भैया से मिलाऊंगा, क्योंकि मुझे स्पेशली शंकर सर कॉल किए थे और बुलाए, क्योंकि मुझे ये अनुभव नहीं था, ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है। तो मैं फिलहाल वहाँ पर है शंकर भैया, तो उनसे जाके मिला रहा हूँ आप लोग को। तो मेरे वीडियो में आप लोग बन रहे और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, छुआ भैया है, क्या नाम तौर बता देते, साधने बता देते, साधने बता, मोर नाम का है, बहुत बहुत बढ़िया। और ये देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ये और पूरा दिया को जलाना है। यहाँ पास लगभग 15,000 दिया है और बहुत कुछ दिया, तो मुझे लगता है पानी में भी बहाया जाएगा ना, और वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और कई पास कुछ क्या बोलते हैं यार, कुछ छोड़ते हैं ना दीप दीप का डिजाइन में या कुछ ऐसे नहीं, कई बनाते हैं शायद तक वैसे पिछले और हाँ ओम बनाते हैं ना, तो मैं उसको दिखाऊंगा दोस्तों अपने ड्रोन की मदद से, क्योंकि नीचे से तो मुझे लगता नहीं है कि वो सारा चीज़ कवर कर पाऊँगा, क्योंकि अगर हम ऊपर से ड्रोन की मदद से देखना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। आए हैं बोलते यार दीप प्रज्वलित करने आया दोस्तों, और मैं इन दो बच्चों से पूछता हूँ नाम परिचय दे दो भाई थोड़ा सा। अभय कुमार। और तो नाम क्या है? सादरी कैसा कि नहीं हा? सादरी कैसा काटा तोर घर है? तुरी बस तोर घर, चल ठीक है।
मैं फिर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट छोर में है सर शंकर सर, तो मैं शंकर सर के पास जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ। तो बड़े वीडियो मार देखते रहिए। मुझे दोस्तों ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर आज कार्तिक पूर्णिमा का है ना, देव दीप पूर्णिमा का स्पेशल यहाँ पर दिया जलाने वाला प्रोग्राम था। तो उस चीज़ को मेरे को नहीं पता था बिल्कुल भी। तो मुझे स्पेशली याद किए शंकर सर जो यहाँ पर देखिए दीप जला रहे हैं, और ये लगभग 15,000 दीप है जिसको अभी और भी जलाने वाले हैं उधर, वो सारे लोग जला रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं शंकर सर से आपसे मिलाता हूँ और आज के दिन के लिए शुभकामना दिलाता हूँ आपको। शंकर सर शुभकामना दे दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हर साल जलाया जाता है देव दीप के नाम से, दीपावली कुछ दिन बाद ना, कुछ दिन दिवाली के कुछ दिन बाद यहाँ छठ होता है, छठ के कुछ दिन बाद ये देव दीप होता है और आज हम देख रहे हैं जला रहे हैं इसको। हाँ, और बहुत सारा दिया अभी लाइन से दिखेगा आपको, बहुत सुंदर यहाँ उसको मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही औसम वाला सीन देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ से लगभग 400 फीट ऊपर जाएगा मेरा ड्रोन, तो मेरे को लगता है इतना छोटा छोटा दीप दिखेगा ना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो फिलहाल भैया परिचय दे थोड़ा सा। जी मेरा नाम ओमकार है जी। कहाँ से हैं आप? मैं कुनकुरी से ही। कुनकुरी से ही है। अच्छा, थैंक यू भैया। और इधर देखिए दोस्तों, बहुत ही औसम वाला वर्क हो रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। इधर तो मुझे नहीं लगता है बाहर जाएगा, उधर सामने में वहाँ बाहर जाएगा। भैया थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा जी कुणाल मिश्रा। इधर देखिए ना, इधर हाँ बता। अरे भैया जी नमस्ते जी। थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना। अभी यहाँ पर 15,000 को छोड़ के 30,000 बोलो। अच्छा काफ़ी है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर खूबसूरती बढ़ती जा रही है, और मेरे पीछे में देखिए और भी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं भी जला रहा हूँ ना दिया, क्योंकि सहयोग करने से ही हमारा कार्यक्रम सफल होता है। तो फिलहाल मैं ही मैं मदद कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोग कि 10,000 नहीं पूरे 15,000 दिए अगर हमारे इस डैम में जलेंगे तो कितना खूबसूरत नहीं होगा। तो फिलहाल बने रहे वीडियो में और देखते ही। फिलहाल दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा अभी तक मुझे लगता है बहुत ही जलना बचा है, और भैया लोग से मिलाता हूँ और थोड़ा परिचय दे दिया, और आज का शुभ दिन के लिए थोड़ा सा मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बधाई दे दीजिए। ये देव दीपावली की सबको सब ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं मनोज बंसल। मैं महेश कुमार बंग। थैंक यू भैया। फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, क्योंकि मैं ड्रोन शूट भी करने वाला हूँ, यहाँ की खूबसूरती को दिखाने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों लगभग बज गए 6:11 और मुझे लगता है अभी ड्रोन शूट करने के लिए पूरा दिया जल चुका है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी ड्रोन शूट, क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरती है ना वो मुझे लगता है ड्रोन के अलावा किसी और से नहीं दिख पाएगा। तो उधर जा रहा है गुप्ता जी, तो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर ड्रोन शूट, और आप लोग कितना सुंदर दिखाई दे रहा है अगर हमारा ड्रोन ऊपर जाएगा तो। तो फिलहाल उसी चीज़ को देखूंगा। तो मेरे वीडियो आप बढ़ रहे और देखते रहिए छुआरों को भी।
फिलहाल दोस्तों मैं ड्रोन शूट करके कंप्लीट कर चुका हूँ। अब होगा गंगा जी का आरती, तो मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरे वीडियो में आप मर रहे हो, देखते रहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वास्तिक क्रिश्चियन बनाया गया है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों आरती स्टार्ट होने वाला है, अब आरती होने वाला है। बोलो गंगा भैया की। सबको ही रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आज का जो दीप प्रज्वलित हुआ उस चीज़ के बारे में कुछ दो चार शब्द इन ग्रामवासियों इन नगरवासियों से सुनना चाहूँगा, और आप लोग के लिए भी जो भी शुभकामनाएं देना है वो दिलाऊंगा। तो दे दीजिए भैया। क्या है ये दीप दीपावली उत्सव लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने एक मन में विचार आया कि देव दीपावली मनाना है, किन्हीं के द्वारा बोला गया या जैसा भी, हम लोगों के मन में आया कि देव दीपावली होता क्या है। सबसे पहले चीज़ है कि हम लोग जानते नहीं थे कि देव दीपावली में करना क्या होता है, पर ऐसा विचार हुआ कि नहीं देव दीपावली मनाना है, तो देव दीपावली मनाना है, तो हमने पहले पता किया कि देव दीपावली में करना क्या है। तो फिर बोले कि गंगा घाट जो अपना होता है वहाँ पर सारा दिया से आच्छादित करते हैं, तो हम लोग शुरू साल 3100 दिए से शुरू किए थे, 3100 दिया। उसके बाद कोरोना काल आ गई थी तो हम लोग 1100 दिए में चलाए थे। उसके बाद इस वर्ष हम लोगों ने 4500 दिया 80 लीटर तेल का लक्ष्य रखा था जो पूरा हुआ, और इस वर्ष की देव दीपावली उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मनी। अगले बार 5100 दिए, अगले बार 5100 का लक्ष्य है। और यह जो छठ घाट का आयोजन होता है, यह आयोजन सभी के सहयोग से होता है, नगरवासियों का सहयोग से होता है। इसमें किसी प्रकार का राशि की अपेक्षा नहीं होती है, बस हम लोगों की अपेक्षा होती है कि आपके यहाँ जो दीपावली के बचे हुए दिए हैं वो दिए आप हमको दे दें। छठ घाट में 2 बजे दोपहर तक आप भिजवा दें, और अपने घर के हिसाब से आप तेल भिजवा दें, कोई 5 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, बस इतना में हमारा देव दीपावली उत्सव मन जाता है। और जब संध्या आरती होती है तो आरती के समय आप अपने घर से आरती की थाल लेकर आए, आरती की थाल लेकर आए और अपना आरती दिखाएं। बस इतने ही सहयोग से यह देव दीपावली उत्सव विगत 4 वर्षों से मन रही है, और इस वर्ष भी बहुत अच्छी तरीके से मनी है, और आगे भी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और आप सभी को देव दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। फाइनली दोस्तों मुझे लगता है कि अब आरती वारती हो गया और प्रसाद ले लिया हूँ, तो अभी फिलहाल मैं घर निकलता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरा वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।